झूठ और फरेब में दोष के लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की है। इस देश के एक प्रधानमंत्री की गरिमा जो है उसे उन्होंने तार तार किया है। लोकतंत्र को म्यूट तंत्र बनाने का काम किए। संसद में राहुल गांधी जी दहाड़ेंगे और यहाँ पर जो उनके शेर है बब्बर शेर है वो यहाँ पर दहाड़ेंगे। 10 साल तक देश के लोगों ने कुछ नहीं बोला, इसी उम्मीद में भी देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं का भविष्य संवार देंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन युवाओं को रोजगार मिलने के बजाय रोजगार छिनता ही चला जा रहा है। आखिर इस दिन के लिए मोदी जी को वोट दिया है क्या? जब भी हम रोजगार की महंगाई के खिलाफ की बात करते हैं तो देश में दंगा छिड़वा देते हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ दंगा फैलाने से उनको वोट मिल जाएंगे। 55 इंच की छाती कहने के लिए है, 4 किलोमीटर की यात्रा करके दिखाए बीजेपी का कोई भी नेता, तब हम मानेंगे। यही जनता इनको सबक सिखाएगी और जो इनके काले कानून हैं उसको रोकने का काम करेगी। इनकी सत्ता इनसे जरूर जाएगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां यहाँ पर तमाम लोग जो देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो है यहां पर लोग उपस्थित हैं और IYC के तरफ से जो है यहां पर संसद घेराव के नारे के साथ जो है यहां पर लोग मौजूद हैं और ये साफ तौर पर सरकार के खिलाफ जो है उसकी सरकार की नीतियों कुरीतियां जो है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए आए हुए हैं। क्या कुछ कहने चाहेंगे? देखिए, आज इतने सारे यहाँ पे युवा आए हैं और इससे ये बात साफ है कि आज इस देश के युवा जो है वो बदलाव चाहते हैं। इस देश का युवा आज जो बेरोजगारी मोदी जी ने कर दी है उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जो जुमला उन्होंने दिया था 2 करोड़ रोजगार का, जो उन्होंने जुमला दिया था 15 लाख रुपए का, आज ये युवा उनके खिलाफ एकत्रित हुए हैं। आज ये देश में आप देखेंगे कि संसद में राहुल गांधी जी दहाड़ेंगे और यहाँ पर जो उनके शेर है बब्बर शेर है वो यहाँ पर दहाड़ेंगे, वो संसद का घेराव कर रहे हैं। आज क्या कुछ कहेंगे सर? आज देश भर से, देश के कोने कोने से युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और देश के युवा आक्रोश में है। देश के युवाओं के माता पिता परेशान हैं। जिन माता पिताओं ने देश के युवाओं के सुनहरे भविष्य का अवसर देखा था, आज सब युवाओं का भविष्य बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। आज देश के लोग हिंसा की लपेटों में जाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, कहते हैं इस विपक्ष का एक ही काम है, जो राष्ट्रहित में काम है उसको विरोध करेंगे, ना तो खुद काम करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। 10 साल तक देश के लोगों ने कुछ नहीं बोला, इसी उम्मीद में भी देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं का भविष्य संवार देंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन युवाओं को रोजगार मिलने के बजाय रोजगार छिनता ही चला जा रहा है। BSNL में 53,000 रोजगार गायब हो गए, रेलवे में 3 लाख के आसपास रोजगार गायब हो गए और 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में देखने को मिल रही है। तो युवाओं का जो भविष्य है वो पूरी तरह धराशायी हो गया है। माता पिता पूरी तरह से परेशान हैं। आखिर इस दिन के लिए मोदी जी को वोट दिया है क्या? जब भी हम रोजगार की महंगाई के खिलाफ की बात करते हैं तो देश में दंगा छिड़वा देते हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ दंगा फैलाने से उनको वोट मिल जाएंगे। बार बार सत्ता, जब भी वोट चुनाव नजदीक आते हैं तो दंगा फैला देते हैं। राम की आड़ में चुनाव के वोटों को लूटने का काम करने की कोशिश करते हैं। आखिर देश के लोग धर्म के नाम पर, हिंसा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर कब तक वोट देते रहेंगे? देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है। कह रहे हैं कि जिन्होंने सत्ता पाने के लिए इमरजेंसी लगा दी, कम से कम वो तो लोकतंत्र की बात ना करें। इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी में वो बात नहीं करते जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुए थे, परिवार नियोजन के कार्यक्रम शुरू हुए थे, देश में कई कल्याणकारी योजनाएं 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुए थे। हमने इमरजेंसी में भी हम उसको जायज नहीं ठहराते, लेकिन उस आड़ में भी देश में हमने 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किए थे। क्या मोदी जी आज इस तरह के कार्यक्रम की
कोई झलक दिखाई देती है? क्या कौन सी योजनाएं हैं जो देश के युवाओं का भविष्य सुधार रही है? कौन सी योजनाएं हैं जो महंगाई को दूर कर रही हैं? कौन सी योजनाएं हैं जो लगातार देश के संसाधन बेचते चले जा रहे हैं? और कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लगातार देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, 20,000 करोड़ रुपए की जो सेल्स कंपनियां हैं वो कहां से आई, किसका है ये पैसा पता नहीं चल पा रहा है। आरटीआई कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, आरटीआई कानून को धराशायी करते हुए पीएम केयर्स फंड के नाम पर देश के लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया था जो पैसा, आज वो पैसा कहां है? राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान में सब चाइनीज सामान भरा पड़ा है। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में सच्चाई थी, 4,000 किलोमीटर की यात्रा देश के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और राहुल गांधी जी का साथ दिया। आज नरेंद्र मोदी जी में दम है तो वो भी एक मोहब्बत की दुकान खोल के दिखाए, कम से कम 4,000 नहीं तो 4 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके देश को दिखाए कितना दम प्रधानमंत्री में भरा है, वो सब सामने आ जाएगा। ये तो 56 इंच की छाती कहने के लिए है, 4 किलोमीटर की यात्रा करके दिखाए बीजेपी का कोई भी नेता, तब हम मानेंगे। राहुल गांधी जो संघर्ष आज कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो पहले ही कर चुके हैं। अब तो प्रधानमंत्री अब करके दिखाए, अडानी की कुर्सी पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, दादागिरी में कुछ भी कीजिए, सत्ता आपके हाथ में है। जब भी कोई जज का कोई मामला आता है तो जज को उड़वा देते हैं, आप पे इतने सारे क्रिमिनल चार्ज हैं, देश का कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चाय बेची है। आज एक भी व्यक्ति बता दे जो कहते कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ चाय बेचते थे, झूठ और फरेब में दोष के लोगों को गुमराह करके सत्ता हासिल की है। ये जो है तमाम जो है यहाँ पर युवा मौजूद है, इनसे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जो है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई कम से कम वो लोकतंत्र की बातें ना करें। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, किस तरह से इस देश के एक प्रधानमंत्री की गरिमा जो है उसे उन्होंने तार तार किया है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बेरोजगारी की बात करते हैं, क्यों नहीं महंगाई की बात करते हैं? 90 दिन से मणिपुर में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका जान ले लिया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। अमित शाह को सुना नहीं, कह रहे कि हम चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा। ये वो लोग हैं जो चर्चा की बात कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र को म्यूट तंत्र बनाने का काम किए, जो लोग चर्चा करना चाहते हैं तो क्यों षड्यंत्र करके राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने का काम किया, क्यों राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता है, क्यों विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जाता है? ये लोग आज डरे और सहमे हुए हैं, आज चर्चा की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देश अब जान चुका है, देश उस मुकालते से निकल चुका है जो ये लोग झूठ परोस के किया करते हैं। देश अब समझ चुका है कि उनकी जरूरतें क्या है, उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकारों की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं ये महंगाई की बात कर रहे हैं, क्यों राहत नहीं दिलवा रहे हैं, क्यों रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों दंगों को शांत नहीं करवा रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं करनी है। इन्हें बातों को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ता है, वही काम इस देश के प्रधानमंत्री। आप लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, आप लोग सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे और संसद में जो है बिल पास होता रहेगा। देखिए, हमें सड़क और सदन पे, विपक्षी कांग्रेस पार्टी सदन पे लड़ाई लड़ रही है और सड़क पे लड़ाई लड़ रही है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान है, यही जनता इनको सबक सिखाएगी और जो इनके काले कानून हैं उसको रोकने का काम करेगी, इनकी सत्ता इनसे जरूर जाएगी। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है संसद में कि आएगा मोदी ही। अमित शाह ने संसद में ऐलान कर दिया है कि गठबंधन छोड़कर दिल्ली पर ध्यान दे लो क्योंकि आएगा तो मोदी ही। वो अमित शाह का जो
घमंड है ना, जो मोदी जी का घमंड है वो देखने को मिल जाएगा 2024 में और सब राज्यों के चुनाव में उनको धीरे धीरे पता चल रहा है, अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी पता चल रहा है। ये जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर युवा सभी मौजूद हुए हैं यहाँ।